दोस्तों आज की इस वीडियो में हम DSSSB द्वारा निकाली गई वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लगभग 1800 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो तो ज़्यादा हैं ही, साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं, यानी कि जो क्वालिफिकेशन आपकी एज लिमिट जो मांगी गई है वो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग मांगी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो 1800 वैकेंसीज हैं उनको कई सारी अलग अलग पोस्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो है कुछ हायर क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसीज भी हैं, कुछ लोअर क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसीज भी हैं। तो आज की इस वीडियो के साथ बने रहिए, यहाँ पर हम इन्हीं सभी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो 18 पेज का है, क्योंकि 1800 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर जो पोस्ट है वो भी डिफरेंट तरीके की हैं। तो वहाँ पर क्या है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन जो मांगी गई हैं और जितनी भी आपकी एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सभी डिटेल जो सबके लिए अलग अलग मांगी गई हैं, तो उस हिसाब से नोटिफिकेशन बड़ा है काफ़ी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। जो लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की वो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, और 15 मार्च से अप्लाई होना शुरू हो गया है ऑनलाइन। और आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, घर बैठकर आपको कहीं भी किसी भी फॉर्म को कहीं भी भरकर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन ही सिर्फ अप्लाई करना है, अदर कोई भी मोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मांगी गई है। देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो 18 पेज का है, तो हम सारी जो वैकेंसीज की डिटेल है डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो लोअर क्वालिफिकेशन वाली जो वैकेंसीज हैं उनको डिस्कस कर लेंगे फुल्ली, और साथ ही साथ जो हायर क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसीज हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और मैं आपको रेफर करूँगा कि आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख लेना और वहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जो भी वैकेंसी आपके लिए है, जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, आप ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं और ये हमेशा निकलती है। और अगर आप दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ उस बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन किस किस पोस्ट के लिए मांगी गई है। देखिए यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट अलग अलग वेरियंट में है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल, तो इस तरीके से हैं। तो सब में क्या है कि बिल्कुल रिलेवेंट फील्ड में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो सब में जो पैटर्न है वो सारी वैकेंसीज में बिल्कुल सेम है, जितनी भी टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं पैटर्न सब कुछ सेम है बिल्कुल, लेकिन होना चाहिए सिर्फ रिलेवेंट फील्ड में। जैसा कि टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ की स्टार्टिंग में वैकेंसी है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपका मैट्रिकुलेशन होना ज़रूरी है या इसका इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सेम रिलेवेंट फील्ड में, या फिर आपने बैचलर डिग्री इन साइंस में की हो या इसके इक्विवेलेंट की हो। तो अब इसमें जो बैचलर डिग्री मांगी है, यानी कि जैसे कि ये जो जॉब है टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब है वो भी पब्लिक हेल्थ के लिए, तो जो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट में होनी चाहिए, या फिर आपने बैचलर डिग्री इन साइंस की हो रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है, या फिर आपके पास मैट्रिकुलेशन और 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सेम रिलेवेंट फील्ड में। अब उसी तरीके से हम आगे अगर बात करें जो और जो इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के लिए है। अब मैं यहाँ पर इन दो को डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद मैं सिर्फ नाम आपको बता दूंगा, वो आप फिर खुद ही देख सकते हो कि सब में जो है पैटर्न सेम है, सिर्फ आपको रिलेवेंट फील्ड में अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब है वो प्रिंटिंग में है आपके, ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही मांगा है, आपके पास मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए और 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सेम रिलेवेंट फील्ड में, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट। तो जो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम दूसरी की बात करें, सेम जो एज है वो यहाँ पर सेम है 18-27 साल। ओके, इसके बाद जो है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, सेम इसमें वही मांगा है, मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, 2 साल का आपके पास रेगुलर डिप्लोमा सेम रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन साइंस या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए वो भी रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो सिविल के लिए है, तो टेक्निकल असिस्टेंट अगर सिविल है तो आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है जो आगे आने वाले टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है वो सब में सेम पैटर्न है। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल है, उसके बाद आपकी टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइनिंग है, उसके बाद आपकी टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल्स है, उसके सब में पैटर्न सेम है,
आपके पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस होनी चाहिए या इसका इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और ये सारा होना चाहिए लेकिन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए जो भी है। दोस्तों यहाँ पर जो जितनी भी आपकी टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट थी उनकी हमने बात कर ली, अब यहाँ पर हम जो डिफरेंट टाइप की जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पहली जो वैकेंसी है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, और इसमें आपका मांगा गया है क्या, आपके पास 12th होनी चाहिए, वो भी आपने की हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ एज ए सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए आपका, या फिर आपने 12th की हो किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज बोर्ड से और वो होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए उसमें। एज लिमिट यहाँ पर भी सेम वही है 18 से 27 साल। ओके तो यहाँ पर काफ़ी और भी सारी पोस्ट हैं जिसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम कुछ यहाँ पर जो लो क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपकी यहाँ पर है पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है जो कि दिल्ली जल बोर्ड के लिए है, और इसमें आपका 12th पास होना जरूरी है, आपके पास 12th होनी चाहिए और मस्ट क्वालिफाई द स्टेनोग्राफी टेस्ट, यानी कि आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और आपकी जो स्पीड होनी चाहिए उसमें वो 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक और पोस्ट है वो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, और इसमें आपका जो है मेट्रिकुलेशन होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने किया हो, और ये जो जॉब रहने वाली है वो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में रहने वाली है। जो दूसरी यहाँ पर पोस्ट है वो है कारपेंटर के लिए, यानी कारपेंटर सेकंड क्लास की जॉब है, यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई से आपने किया हो कारपेंटरी में, और साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 27 साल जो है एज लिमिट है यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो एक और जॉब है वो है असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर की, और ये जो जॉब है वो दिल्ली जल बोर्ड के लिए है, और यहाँ पर आपका मेट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है, यानी आपके पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास फिल्टर्स का। उसके बाद यहाँ पर जो और जो पोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ एक जो है प्रोग्रामर की पोस्ट है, जो प्रोग्रामर की पोस्ट है उसमें आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 8000 की डिप्रेशन पर आवर आपकी स्पीड होनी चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, और यहाँ पर आपका बीएड होना जरूरी है, बीएड आपके पास हो, साथ ही साथ आपके पास स्पेशल एजुकेशन जो बीएड होता है वो होना चाहिए फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर या फिर आपने बीएड किया हो जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, ठीक है, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने जो है स्पेशल बीएड किया हो। तो बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट की तो वो है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है, और इसमें आपका 12th पास मांगा गया है, और साथ ही साथ आपके पास जो है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या फिर आपने बैचलर डिग्री की हो और उसमें आपके 45% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, और ये जो जॉब रहेगी वो रहेगी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में, और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी मांगी है मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो उससे यहाँ पर कुछ फार्मेस्ट की भी पोस्ट हैं जो कि अलग अलग है, जैसे फार्मेस्ट होम्योपैथी यूनानी, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अलग अलग हैं, तो सबके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग मांगी है, मैं आपको एक एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आप जो है सारी डिटेल जो नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर जैसे फार्मेस्ट जो है वो होम्योपैथी वाली है, तो उसमें आपका 10+2 विद साइंस से होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल से कम का आपका डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए होम्योपैथी फार्मेसी में। ओके, एज लिमिट जो यहाँ पर रखी गई है वो 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद जो फार्मेस्ट जो यूनानी है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपका मैट्रिक होना चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए यूनानी फार्मेसी का, 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 2 साल तक एटलीस्ट होना ही चाहिए किसी भी आपने रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया हो या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने किया हो, ऑर्गेनाइजेशन से कहीं से भी किया हो। दोस्तों बात करें अगर यहाँ पर फीस की तो फीस ठीक है, यहाँ पर 100 रुपये फीस है, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके लिए जो फीस है वो एग्जेम्प्ट है, जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपीज़ की फीस लगेगी। बात करें एज रिलैक्सेशन की तो एज रिलैक्सेशन एज यूजुअल जैसा कि हमेशा मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में वैसा ही है, यानी कि SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWD के लिए 10 ईयर्स है, और PWD प्लस SC ST अगर है तो 15 ईयर्स है, और PWD प्लस OBC है तो 13 ईयर्स है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ उस बेल के आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।